कुछ पुलिस वाले पुलिस की छवि को धूमिल करने से भी बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही एक वाकया सागर में देखने को मिला, जहां एक पुलिस वाली ने एक महिला को सड़क पर पटक पटक कर मारा, उसके बाल खींचे। पीड़ित महिला का कसूर इतना था कि उसने मास्क नहीं पहना था। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इस पुलिस वाली और उसका सहयोग करने वाले एक एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू में सागर जिले के रहली के गांधी चौक पर पुलिस अमले ने मास्क नहीं पहने हुए एक महिला और उसकी बेटी को रोक लिया। महिला ने जब अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और माफी मांग ली तो ये महिला आरक्षक कुछ ज्यादा ही तैश में आ गई और उसने महिला को जेल में डालने की धमकी देना शुरू कर दिया। इस पर भी महिला आरक्षक का गुस्सा नहीं थमा तो उसने महिला को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। उसके बाद उसे पटक पटक कर मारा, उसे सड़क पर पटका और बाल पकड़कर घसीटा। इस महिला की बेटी ने जब बीच बचाव के लिए आई तो उसे भी धक्के देकर मारा गया। ये पुलिस वाली हैवानियत पर उतर आई थी। समझ ही नहीं आ रहा था पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए है या फिर उन्हें मारने पीटने के लिए। महिला पुलिस आरक्षक के इस वहशीपन में दूसरे पुलिस वाले भी उसका साथ देते साफ नजर आ रहे हैं। इसके बाद भी इन वहशी पुलिस वालों का मन नहीं भरा तो महिला और उसकी बेटी को गाड़ी में डालकर ये थाने ले गए और इनके खिलाफ बेवजह मामला दर्ज कर लिया। कोरोना संक्रमण काल के इस दौर में जो माननीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार धारा 188 के 144 के पालन में जो ड्यूटी हमारे द्वारा लगवाई गई थी, तो गांधी चौक में ड्यूटी के दौरान हमारे थाने की महिला आरक्षक वहां पर ड्यूटी पर अपना कार्य कर रही थी। जो उस कार्य को करने के दौरान दो महिलाएं वहां पर आई और उन्होंने उनके साथ मारपीट और शासकीय ड्यूटी में बाधा पहुंचाई, जिसके लिए उनको महिलाओं के विरुद्ध मुकदमा कायम कर विभिन्न धाराओं में जैसे 353, 332, 188, 269, 70, 51 भी आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में उन पर मुकदमा कायम किया गया है। पुलिस की यह गुंडागर्दी का वीडियो देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। ऐसे घटिया किस्म के पुलिस वाले सारे पुलिस विभाग के लिए बदनामी का सबब बनते हैं। पुलिस ने महिला आरक्षक के साथ मारपीट करने के झूठे आरोप में मां बेटी को पकड़ा, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस वाली ने बेवजह इस महिला की बेरहमी से पिटाई की। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जब हर तरफ पुलिस की किरकिरी होने लगी तो सागर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने वीडियो में दिखाई दे रही महिला आरक्षक और उसको सहयोग कर रहे एएसआई को निलंबित कर दिया। एसपी ने इस मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।